हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट है ये डीरमा का हैंडहेल्ड वायरलेस वैक्यूम क्लीनर। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। फर्स्ट आप ये देख रहे होंगे, इसमें आपको एक फ्लोर क्लीनर मिल जाता है, जिसे आप कारपेट क्लीनर भी कह सकते हैं। इसके साथ आपको ये टू नोजल्स मिल जाते हैं, जिसमें से एक टू इन वन नोजल ब्रश है, जिससे आप कॉर्नर की डस्ट क्लीन कर सकते हैं, सोफाज क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ ही मेन बॉडी मिल जाती है, जो कि इसका मेन पार्ट होता है। आपको एक कनेक्टिंग ट्यूब मिलेगी, जिससे इसका हैंडल लॉन्ग हो जाता है। चूँकि ये रिचार्जेबल है, तो इसके साथ आपको चार्जर भी मिलेगा। एंड इसका जो फ्लोर क्लीनर है, इसमें आपको इस तरह के ब्रशेस मिलेंगे, जिससे आसानी से डस्ट कलेक्ट हो जाती है एंड साफ हो जाती है गंदगी। एंड इसका जो हैंडल है, वो 180 डिग्री तक मूव हो सकता है, जिससे आप इससे कॉर्नर में भी क्लीन कर सकते हैं। असेंबल करना काफ़ी इजी हो जाता है, तो चलिए हम इसको असेंबल करके देखते हैं कि किस तरह से असेंबल होता है। तो इसमें ये टू पिंस दी रहती हैं, जिससे आपको लॉन्ग हैंडल को इसमें अटैच कर लेना है। एंड ऊपर जो मेन मशीन दी हुई है, उसको भी टू पिंस के साथ आपको अटैच करना है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ दिखाया है। अटैच करने के बाद अब हम इसको यूज़ करके भी देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना सारा डस्ट पड़ा हुआ है। एंड देखिए ये किस तरह से ये सारा डस्ट कलेक्ट कर लेता है, क्लीन कर देता है फ्लोर को। तो मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। ये काफ़ी हैंडी भी है एंड इसकी बिल्ट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी स्टडी भी है। तो इससे आप डेली तौर पर जो कारपेट यूज़ करते हैं, उसकी डस्ट को भी निकाल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये कारपेट को कितने ईजीली क्लीन कर रहा है, डस्ट को कलेक्ट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये परचेज़ करना हो, तो इसकी बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि डस्ट कप में कितना सारा डस्ट कलेक्ट किया हुआ है। अब हम इसके सेकंड नोज़ल को यूज़ करके देखते हैं। आपको जस्ट नॉर्मली इसमें आसानी से अटैच करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सारा डस्ट है, तो ये किस तरह से डस्ट को कलेक्ट कर रहा है। काफ़ी पावरफुल है एंड हैंडी भी है, तो आप इसको डेली तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं या कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड जो ब्रश है, वो आप कुशंस कवर साफ़ करने में, यहाँ आप देख सकते हैं कि कुशन पर कितनी सारी डस्ट है, तो ये किस तरह से डस्ट को क्लीन कर रहा है, कुशन को क्लीन कर रहा है। आप इसको कार क्लीन करने में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ सोफ़ा के कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है हमारे घर के कॉर्नर में, जो डस्ट कलेक्ट हो जाती है और जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते हैं, झाड़ू वगैरह से साफ़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी आप देखिए कि कितना सारा डस्ट है, तो ये किस तरह से ये डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड यहाँ पर आप जो जाले लगे रहते हैं, वहाँ पर भी इसको क्लीन कर सकते हैं। जो ऊपर सीलिंग में डस्ट कलेक्ट हो जाती है, उसको भी इससे क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप कोई वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हो, तो मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप डीरमा का ये वायरलेस वैक्यूम क्लीनर परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, का जो डस्ट कप है, उसकी कैपेसिटी हाफ लीटर की है, तो इसमें काफ़ी सारा डस्ट कलेक्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईजिली रिमूव हो जाता है। एंड इसका जो फिल्टर है, वो वॉशेबल है, तो आप इसको पानी से भी धो सकते हैं। ये एक बार यूज़ कर सकते हैं आप 4 to 5 आवर, डिपेंड आप कितना इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें ये चार्जिंग पिन दी रहती है, जिससे आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। एंड इस तरह से ये लाइट्स ब्लिंक करेंगी चार्ज होने पर। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ, वो है गीक आईक्यूकू A2 स्मार्ट एयर प्योरीफायर, जो कि टच पैनल के साथ आता है एंड 3 विंड स्पीड के साथ आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 स्टेप दिए रहते हैं प्योर एयर के लिए। एंड इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि आपको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। इसमें आपको 2 कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, एक पिंक एंड ब्लैक एंड एक येलो एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। एंड लुक वाइज ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी लाइट वेट भी है। इसके साथ आपको एक एडेप्टर मिल जाता है एंड इसके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। जैसा आप लोगों को पता है कि आजकल कितना सारा पॉल्यूशन फैला हुआ है, इवन घर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कितना सारा पॉल्यूशन है। तो उसको कंट्रोल करने पर आप अपने घर में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 3 लेयर फिल्ट्रेशन के साथ आता है, जो 200 स्क्वायर फीट की रूम को विद इन फ्यू मिनट आसानी से फिल्टर कर देता है। एंड आप अपने अकॉर्डिंग इसकी विंड स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको लो, मीडियम, हाई, जैसे भी कंट्रोल करना चाहते हैं, वो स्पीड पर इसको सेट कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, लुक वाइज भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, बजट फ्रेंडली है एंड बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको डेफिनेटली परचेज़ कीजिएगा। इन सब की आपको बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।